हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल रेलवे क्रैकर्स में। देखिए, रेलवे एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम सेकंड स्टेज का देखिए हो चुका है। 13 जनवरी के सारे शिफ्टों को पेपर मैं लेके आ गया हूँ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सारे के सारे, आप जितने भी डिफरेंट ट्रेड्स के भी मैं बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आज के दिन में पूछे गए हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। और 100% अगर 101% अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस आज के हैं, सारे के सारे करेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आज के, तो फटाफट देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के मरणोपरांत किसे मिला है पुरस्कार 2018 का? तो ये विनोद खन्ना जी को मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एलपी के फर्स्ट स्टेज में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। बात करें हु इज़ द चैम्पियन ऑफ आईपीएल 2018, तो बोला पूछा गया क्या चैम्पियन कौन है भारत के। देखिए आईपीएल जो होता है 2018 का, तो ये चेन्नई सुपर किंग, ये तीसरी बार ये टीम बनी है चैम्पियन आईपीएल की, ठीक है ना। और ये किन के बीच में हुआ था ये जो फाइनल, यस, चेन्नई सुपर किंग और हैदराबाद के बीच हुआ था, ठीक है। मसौदा समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये मैं बता दूं, 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यह अध्यक्ष का पद, चेयरमैन का पद मिला था। स्क्रू और गॉज से बहुत सारे प्रश्न बना रहा है, ठीक है ना। फिटर जो ट्रेड है उनमें स्क्रू और गॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप आपने अगर एचएस मतलब 12th एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपने अगर प्रैक्टिकल किया है तो फिजिक्स में आपको स्क्रू और गॉज मिला होगा, तो उसमें प्रैक्टिकली आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली जो जो क्वेश्चंस मिले हैं सारे के सारे देख लीजिए आप। ड्राइंग से बोल रहे हैं कि 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो ड्राइंग के शीट के अकॉर्डिंग पूछा गया कि A4 साइज की जो साइज़ है वो कितनी साइज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया ड्राइंग से। देखिए 210 × 297 मिलीमीटर साइज़ होती है, और अगर इंचेस में बात करें तो 8.27 × 11.69 इंचेस होती हैं, ठीक है। एक पूछा गया था रैम क्या है, रैम परमानेंट मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी? तो रैम मैं बता दूं कि रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है। अगर रोम में बताऊं, रोम जो है आपकी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको फ्रेंड्स, जितने भी सारे के सारे लगा लीजिएगा। एवरेज के देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में देखिए आप जिनके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उनके मैं बता रूँ कि फिजिक्स में देखिए AC और DC जो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, इससे क्वेश्चन बने हैं। ओम्स लॉ से क्वेश्चन बने हैं, पोल्स लाइट से क्वेश्चन बने हैं, जो लाइट के रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन होते हैं उसके क्वेश्चन बने हैं, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन बने हैं, एम्पलीफायर्स के क्वेश्चन बने हैं, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं। तो जो टॉपिक के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को मैं बता दूं कि जो ट्रेड है उनमें ये क्वेश्चंस आपके साइंस में बहुत सारे बन रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए थर्मल पावर प्लांट एक क्वेश्चन था, देखिए क्या है थर्मल पावर प्लांट है क्या? थर्मल पावर स्टेशन या उसको प्लांट बोल सकते हो, इज ए पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड द टर्बाइन इज स्टीम ड्रिवन, वाटर इज हीटेड टर्न्स इनटू स्टीम एंड स्पिन्स अ स्टीम टर्बाइन विच ड्राइव्स अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए SI और CI से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने बताया थर्मल जो पावर प्लांट है उसके जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर भी इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब SI और CI से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को के भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिंपल और इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन आया था देखिए ट्रिग्नोमेट्री से, 5 sin θ - 3 cos θ, थीटा का वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो मैंने देखिए साइन 30 कितना होता है भाई, हाफ होता है माइनस ऑफ 3 cos θ √3/2। आप देखिए 5/2 माइनस में 3√3 / 2, तो आप इसको अगर एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 - 3√3, तो 5 - 3 तो 2√3, तो 2 ऊपर से कट जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए पूछा क्या गया है उमैद महल कहाँ पर स्थित है? तो उमैद महल आपका राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, और इसके जो निर्माण का कार्यकर्ता कौन था, महाराजा उमैद सिंह, इन्हीं के नाम पर यह महल का नाम पड़ गया है। देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वेन आरेख के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको सारे के सारे लगा लीजिएगा। और एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से,
टू साइन थीटा माइनस ऑफ टू कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट। तो अगर आपने एग्जाम दिया है, आपने अगर इसका क्वेश्चन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसका कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। देखिए पाइप और सिस्टर्न, जितने भी पाइप और टंकी नल टंकी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके सारे के सारे लगा लीजिएगा आप। देखिए ट्रांसफॉर्मर से प्रश्न बनते हैं, तो वो वायरमैन ट्रेड के मैं बता रहा हूँ, जो ट्रेड वायरमैन है उनके लिए ट्रांसफॉर्मर से आज कम से कम 8 से 9 प्रश्न ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल बेसिस पे बने हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से देखिए 3 से 4 प्रश्न दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। देखिए नरेंद्र मोदी द्वारा लागू योजना जो सौभाग्य योजना है उस पर एक प्रश्न था। देखिए नोट में आंसर इसका देख लीजिए, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो क्या है सौभाग्य योजना। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती के मौके पर सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाना है। सौभाग्य योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि देश का कोई भी घर अंधेरे में ना रहे। इस योजना के तहत गरीबों में बिजली कनेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सरकार ने गरीबों तक बिजली पहुँचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं है, वहां सरकार सोलर लैंप उपलब्ध करा रही है। तो ये आपका सौभाग्य योजना से एक प्रश्न था, तो जो जिसका मैंने डेफिनेशन दे दिया, और आपको वीडियो के पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप जरूर ये डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे चैनल से। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था, देख सकते हो आप, प्रकाश का प्रकीर्णन से एक क्वेश्चन था, तो उसका भी हम लोग नोट में देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रकाश का प्रकीर्णन, अगर किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके उसे पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वच्छ गहरे जल का जल नीले हरे रंग का दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना, ये दो टॉपिक से आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखिए आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखना पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों व धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश में नीला रंग बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होता है। रेले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश में बैंगनी, आसमानी व नीले प्रकाश की तीव्रता स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। पुनः प्रकीर्णित प्रकाश में उपस्थित बैंगनी व आसमानी की अपेक्षा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लगभग 10 गुना अधिक होता है। अतः हमारी आंखों में सबसे अधिक नीला रंग ही पहुंचता है, इसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या प्रकाश पर जो भी इंद्रधनुष जो है विबज्योर, आपको देखिए मैं 7 जो कलर होते हैं वायलेट, मैं अच्छे से कलर को डेफिनेशन कर देता हूँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 जो रंग हैं हमारे जो इंद्रधनुष में मिलते हैं उसमें एक प्रश्न, उसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वर्तमान में पूछा गया है कि रेलवे में कुल कितने जोन्स हैं, तो वर्तमान में 17 जोन्स हैं वर्तमान में रेलवे के। देखिए चाल और दूरी से प्रश्न पूछा गया है, चाल दूरी के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं सारे के सारे लगा लीजिएगा। हाल ही में पूछा गया है कि कौन सा ग्रह है जो हमारे 9 ग्रहों में से निकाल दिए गए हैं, वो प्लूटो, और उस पर कुछ क्वेश्चंस कुछ बना दिए गए थे। देखिए संविधान का अनुच्छेद 324 से एक प्रश्न पूछा गया था, तो 324 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं बता दूँ, संविधान के अनुच्छेद 324 के को चुनाव आयोग के लिए अधिकारों का हौज कहा जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मौजूदा कानूनों से घिरा होने की वजह से वो अपने अधिकारों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाता। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में ही निहित होता है। ठीक है, होना यही हो, यह आपका 324 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस पर आधारित है, तो देखिए मैं बता दूं कि संविधान का संशोधन करने की सांसद शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ये आपके 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत अवतरित है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान की किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। देखिए पूछा क्या गया था, और एक क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा शासन करने वाला मुगल शासक कौन है, तो अकबर।
उसके बाद वाले शासक के नाम पूछें बोला जाए तो कौन है आपका औरंगजेब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस मुगल शासक में ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसके शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई गई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई गई थी। कावेरी पूछा गया था कि कहाँ बहती है, तो कावेरी आपकी बहती है कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा सदा नीरा नदी है। देखिए ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से एक प्रश्न था, तो उसका जो नोट में देखिए इसका आंसर। बात करें ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले खून में ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों के गुण मौजूद होते हैं, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के लोगों को भी मांस का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आप मांस के लिए मछली का सेवन कर सकते हैं लेकिन चिकन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको अपच होने की शिकायत हो सकती है। ये आपके ए बी ब्लड ग्रुप से पॉजिटिव ग्रुप से संबंधित कुछ बात थी, इसको आप ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर बात करें मैं ओ पॉजिटिव की, यहाँ पे आप देख सकते हो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उनका इम्यून सिस्टम अन्य ब्लड ग्रुप वालों से थोड़ा सेंसिटिव होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ओ पॉजिटिव का जो ब्लड होता है बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो सेंसिटिव होता है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप के लोगों को ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो कि जल्दी पच जाए, और सर्दी गर्मी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स आज के सारे टॉपिक के क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्वेश्चंस आके आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर थर्ड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आपको आपने अगर एग्ज़ाम दिया है एलपी सेकंड सीबीटी सेकंड स्टेज का, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैं कल का भी जो क्वेश्चन बनाऊँगा, तो अगर कल तो शायद एग्ज़ाम ना ही नहीं होगा सीबीटी टू का, क्योंकि 21, 22, 23 ही तीन ही दिन थे, फिर भी अगर कभी भी ये एलपी सीबीटी टू के क्वेश्चन मिलेंगे अगर बनाऊँगा तो उसमें आपको इंक्लूड जरूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसका जो रिव्यू सबसे पहले लेके आएगा और बहुत ही करेक्ट लेके आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।